ठीक है, लेकिन मेरा जो लीस्ट काउंट निकलता है वो थिंबल का रीडिंग से निकलता है। किसका रीडिंग से निकलता है? थिंबल का रीडिंग से निकलता है। अब हम लोग देखेंगे कि थिंबल मतलब एक चक्कर में कितना चलता है। क्या पढ़ रहे हैं माइक्रोमीटर में? क्या क्या हम लोग कर लिए? 500 माइक्रोमीटर जान लिए, 500 माइक्रोमीटर भी हम लोग समझ लिए, ठीक है। और क्या जान लिए हम लोग? माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर भी जान लिए। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर जाने जान लिए। क्या है माइक्रोमीटर का सिद्धांत? क्या है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर? यदि कोई पूछे माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे कि माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट। क्या लीस्ट काउंट? जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अल्पतमांक, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट किसी भी मापी यंत्र द्वारा लिया जाने वाला छोटा से छोटा मान लीस्ट काउंट कहलाता है, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है और लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मीट्रिक सिस्टम वाला। कौन सा सिस्टम वाला? मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक प्रणाली में माइक्रोमीटर का अल्पतमांक, ठीक है। मीट्रिक प्रणाली में माइक्रोमीटर का अल्पतमांक बहुत इंपॉर्टेंट है। लीस्ट काउंट हमको लीस्ट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो लीस्ट काउंट निकालने के लिए समझ गया, आज लीस्ट काउंट बढ़िया से समझ गया, वो रीडिंग लेने में उसको कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि मीट्रिक प्रणाली में माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यदि फॉर्मूला पर हम लोग आएंगे तो फॉर्मूला से तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि माइक्रोमीटर जो है वो नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे? नट और बोल्ट। नट और बोल्ट, ठीक है। देखिए ये है मेरा नट या बोल्ट का चूड़ी। क्या है? चूड़ी। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेड बोलते हैं।